हाय बच्चों, आप सबको 2021 और 2022 का नया शैक्षणिक वर्ष में स्वागत सुस्वागत। मैं आपकी 3वीं कक्षा की हिंदी शिक्षकी नसीमा बानू। हाँ बच्चों, हम तो अब तक क्या सीखा है, मतलब सेकेंड स्टैंडर्ड में 2वीं कक्षा में हम क्या सीखे हैं? वर्णमाला के बारे में सीखे है ना। आज भी मैं वर्णमाला के बारे में और एक बार बोलती हूँ, आप सब सुनते जाओ। देखो बच्चों, वर्णमाला का अंग्रेजी अर्थ अल्फाबेट आपको मालूम है ना। वर्णमाला का अंग्रेजी अर्थ अल्फाबेट, और वर्णमाला का अर्थ क्या होता है? वर्ण का अर्थ होता है के अक्षर, और माला का अर्थ होता है के समूह। अक्षरों का समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब मालूम हुआ वर्णमाला का अर्थ क्या होता है? अक्षरों का समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो भेद हैं। दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन का स्वर और व्यंजन। स्वराक्षर भी कहते हैं, व्यंजनाक्षर भी कहते हैं। देखो बच्चों, स्वराक्षर का अर्थ होता है कि स्वतंत्रता से उच्चारण करने वाले अक्षरों को। क्या बोलो? स्वतंत्रता से उच्चारण करने वाले अक्षरों को स्वराक्षर कहते हैं। चलो आप देखेंगे कैसा उच्चारण करना है बोल के। अब मैं पढ़ती हूँ, आप सब देखते जाओ। अ आ ई ई उ उ रु ए आई ओ औ अम आहा। बच्चों अब मैं उच्चारण करी हूं ना, इसी तरह से आप उच्चारण करना है। लेकिन मैं अब उच्चारण करने के समय एक अक्षर का उच्चारण गलत बोली हूँ। उस अक्षर कौन सा है आप फाइंड आउट करे है ना, कौन सा है? मैं और एक बार बोलती हूँ, देखो। आ आ ई ई उ उ रु। देखो बच्चों, इसे को इस अक्षर को हम रु करके उच्चारण करते हैं, लेकिन इसी को हम रु नहीं कहना, वो तो गलत उच्चारण है। हम तो इस अक्षर को री कहना है। क्या बोलो? री कर बोल के उच्चारण करना है। ए आई ओ औ अम आहा। हाँ बच्चों, ये तो सही उच्चारण है, इसी तरह से आप भी उच्चारण करना है। देखो, इस उच्चारण करते समय इस अक्षरों को किसी की भी सहायता नहीं लेते हैं। अब तो मालूम हुआ ना स्वराक्षर का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता से उच्चारण करने वाले अक्षर। हाँ चलो, स्वराक्षर कितने होते हैं अब गिनेंगे। देखो बच्चों, एक आ से औ तक, आ से औ तक होने वाले अक्षरों को हम स्वराक्षर कहते हैं, और अम आहा को हम अयोगवाहक कहते हैं। अब तो कन्नड़ा में योगवाहक कहते हैं ना अम और आहा को, जैसा ही हिंदी में अयोगवाहक कहते हैं। देखो कितने अक्षर हैं अब हम गिनेंगे। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह। देखो बच्चों, ग्यारह स्वराक्षर होते हैं, ग्यारह स्वराक्षर होते हैं। और नेक्स्ट अम आहा, ये दोनों भी अयोगवाहक है ना, इसलिए दो। टोटल कितने होते हैं? तेरह। हाँ बच्चों, और नेक्स्ट स्वराक्षर के बारे में हम तो जानकारी लिए हैं, अब व्यंजनाक्षर के बारे में देखेंगे। व्यंजनाक्षर का अर्थ होता है के स्वराक्षर का उपयोग करके उच्चारण करने वाले अक्षर। क्या है व्यंजनाक्षर का अर्थ होता है के स्वराक्षर के उपयोग करके उच्चारण करने वाले अक्षर को हम व्यंजनाक्षर कहते हैं। अब मैं एक इस अक्षर को मैं उच्चारण करती हूँ, देखो। क, क में कौन सा स्वराक्षर उपयोगित किया है? क में आ अक्षर उपयोगित किया है ना,
देखो बच्चों, का में कौन सा स्वराक्षर उपयोगित किया है हमने? देखो यहाँ पे आधा का अधिक आ, यहाँ तो आ का उपयोगित किया है ना, आ एक स्वराक्षर है ना, हाँ, इसलिए व्यंजनाक्षर तो स्वराक्षर के उपयोग से उच्चारण होता है। अब एक बार आप भी उच्चारण करो, का, का में आ का उपयोगित है। अब उच्चारण करती हूँ, आप सब एक बार देखो, का, खा, गा, घा, न्या, चा, छा, जा, झा, न्या, टा, ठा, दा, धा, ना, ये क्या दोनों भी बॉक्स में लिखे हैं बोल के देख रहे हैं ना? देखो बच्चों, ये भी धा का रूप है लेकिन इसका उच्चारण अलग है, इसे डा कहते हैं और यहाँ पे नीचे बिंदी रखे है ना, ये तो रा उपयोगित होता है, लेकिन अब वर्णमाला पढ़ते समय रा नहीं कहना, डा कहना। ये अक्षर तो शब्दों में आता है, अक्षरों, ये अक्षर शब्दों में आता है जब अक्षर में वो उपयोगित करते हैं, और धा, इसे धा कहते हैं, इसे रा कहते हैं। अब तो वर्णमाला पढ़ते समय धा कहना है, और शब्द पर, शब्द पढ़ते जब रा का उपयोग होता है वहां पे इस अक्षर उपयोग होता है। ये ना, न्या, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, बा, मा, या, रा, ला, वा, शे, देखो हम सब, हमें इसे शे कहते हैं, इसको ये तो गलत उच्चारण है, शा कहना है, शा, सा, हा। हाँ बच्चा, अब व्यंजनाक्षर को हम गिनेंगे कितने हैं बोल के, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सताईस, अट्ठाईस, उनतीस, तीस, इकतीस, बत्तीस, तैतीस। कितने अक्षर है? तैतीस व्यंजनाक्षर होते हैं। कितने? तैतीस। और नेक्स्ट संयुक्त व्यंजन बोल के है, देखो ये क्या आपको मालूम नहीं है ना, ये तो नए से देख रहे हैं। संयुक्त व्यंजन बोल के ये तो चार अक्षर होते हैं, संयुक्त व्यंजन बोल के चार अक्षर है, वो कौन से अक्षर? क्षा, त्र, ज्ञ, श्रा, ये चार अक्षरों भी संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन के बारे में आने वाले तीनवी कक्षा के पाठ में है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे बोलती हूँ। अब तो ये ख्याल में रखना, संयुक्त व्यंजन कितने हैं? चार होते हैं, वो कौन से? क्षा, त्र, ज्ञ, श्रा। अब तो मालूम हुआ ना, वर्णमाला में स्वराक्षर कितने हैं? तेरह है, व्यंजनाक्षर कितने हैं? तैतीस है, और संयुक्त व्यंजन कितने हैं? चार है। स्वराक्षर से मिला के संयुक्त व्यंजन तक टोटल कितने अक्षर होते हैं वर्णमाला में? वर्णमाला में टोटल 50, 50 अक्षर होते हैं, वर्णमाला में 50 अक्षर होते हैं। अब तो वर्णमाला के बारे में जानकारी लिए हैं, अब तो उसके मात्राएं देखेंगे, स्वरा देके है, अब तो स्वराक्षर देके है, और उसके मात्राएं के बारे में अब जानकारी लिएंगे। हाँ बच्चों, देखो यहाँ तो मात्राएं के सिंबल लिखी हूँ ना, ये तो स्वराक्षर के मात्राएं है, अब तो पिछली कक्षा में सीखे हैं, और एक बार बोलती हूँ, देखो ये तो आ की मात्रा है, आ में कोई भी
मात्राएं नहीं होती है, इसलिए ये तो कोई मात्रा नहीं है। मैं लिखेंगे आ, ये तो आ की मात्रा होती है। एक किसकी मात्रा होती है? आ की मात्रा। और एक किसकी मात्रा? ई की मात्रा। और ये ई की मात्रा, ये ऊ की मात्रा, अरे ऊ की मात्रा, ये रु। हम तो री बोल के उच्चारण करना है, ये कौन सा है? री का मात्रा। और नेक्स्ट ए, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अम। और नेक्स्ट आह की मात्रा। हाँ बच्चों, अब मालूम हुआ ना स्वराक्षर के मात्राए के बारे में। देखो बच्चा, हम स्वराक्षर के मात्राए उपयोग करके बारह खड़ी लिखते हैं। आपको मालूम है स्वराक्षर के मात्राए, मात्राए उपयोग करके बारह खड़ी लिखते हैं। अब देखेंगे कैसा लिखते हैं बोल के। देखो आ की मात्रा कौन सी है? आ है ना, वो तो कैसा लिखना है? आधा का अधिक आ। मैं बोली थी व्यंजनाक्षर स्वराक्षर के उपयोग करके उच्चारण करते हैं बोल के, जैसा ही स्वराक्षर की मात्राए उपयोग करके भी बारह कड़ी लिखते हैं। देखो आधा का प्लस अधिक आ से का बनता है। और नेक्स्ट क्या है? आधा का अधिक आ, आ की मात्रा। अब क्या डालना है? आ, आ की मात्रा डालना है। और नेक्स्ट आधा का अधिक ई, ई की मात्रा कौन सी है? ई। और नेक्स्ट आधा का अधिक ई, ई की मात्रा कौन सी है? ई। और नेक्स्ट आधा का अधिक ओ, ओ की मात्रा कौन सी है? कु। और नेक्स्ट आधा का अधिक ऊ, ऊ की मात्रा कौन सी है? कु। और नेक्स्ट आधा का अधिक री। देखो बच्चों, हम तो वर्णमाला पढ़ते समय इसी को री बोल के उच्चारण करते हैं, लेकिन बारह कड़ी पढ़ते समय रू बोल के उच्चारण होता है। यहाँ पे क्या होता है? क्रू। क्या होता है? क्रू होता है। और नेक्स्ट आधा का अधिक ए, कौन सा मात्रा? ए की मात्रा लगाना है। के। आधा का अधिक आई, कौन सी मात्रा? आई की मात्रा। कई। और नेक्स्ट आधा का अधिक ओ, कौन सी मात्रा? ओ की मात्रा डालना है, को बनता है। और नेक्स्ट आधा का अधिक औ, कौन सी मात्रा? औ की मात्रा लगाना, कौ बनता है। और लास्ट में कम, आधा का अधिक अम, कम। और लास्ट में आधा का आहा अधिक कहा। हाँ बच्चों, अब तो बारह कड़ी लिखने का आसान हो गया ना। स्वरा की मात्राएं उपयोग करके बारह कड़ी हम तो लिखे हैं। एक तो मैं बता ही हूँ, आप सब बारह कड़ी पूरे भी लिखने का प्रैक्टिस करना है इसी तरीके से, वो मात्राएं डाल के मात्राएं के सहायता से बारह कड़ी लिखने का आप सीखना है। अब चलो मैं
और नेक्स्ट बोलती हूँ मात्रा के शब्द देखेंगे, यानी वर्ण विच्छेदन करने के अक्षरों को अब देखेंगे कैसे रहते बोल के। उसमें मात्राएं रहते हैं, इसलिए हम वर्ण विच्छेदन करके सीखना है। वैसे शब्दों को अब मैं सिखाती हूँ, आप सब देखो। हाँ बच्चों देखो, यहाँ तो जिन शब्दों को लिखी हूँ इन शब्दों को वर्ण विच्छेदन करने का, और एक बार बताती हूँ। देखो बच्चों, आ में कोई तरह से मात्राएं नहा से, इसलिए मैं डायरेक्ट अक्षर शब्द लिखी हूँ। आ से अनार बोल के, अनार जैसे है मात्राएं नहे सो। आ से लेके जो व्यंजनाक्षर के उपयोग होने वाले अक्षर भी आते हैं, जैसे कि कमल, नब, नयन, गगन जैसे शब्द आते हैं ना, वो सभी आ वाले, आ की मात्रा आने वाले शब्द होते हैं। और नेक्स्ट देखो, आ से हाथ बोल के लिखी हूँ। हाथ में कौन सी मात्रा ये क्या उपयोग है, आ की मात्रा उपयोग है। अब हम देखेंगे कैसा वर्ण विच्छेदन करना बोल के। हा लिखना है, अधिक आ की मात्रा डालना है, आ की मात्रा उपयोग करना है, और ता यहाँ तो आ की मात्रा उपयोग है ना, आ की मात्रा उपयोगित हुई है। हाथ कैसा पढ़ना है, हाथ बोल के पढ़ना है। और नेक्स्ट ई में हिरण बोल के शब्द है, इस शब्द कैसा विच्छेदन करना है, अधिक हिरण, अब क्या बनता है, हिरण बनता है। ये तो यहाँ ई की मात्रा उपयोग है। और नेक्स्ट डाली, डाली में कौन सा स्वराक्षर का मात्रा ये उपयोग है, ई की मात्रा उपयोग है। देखो ये तो ई की मात्रा है ना, इस शब्द में ई की मात्रा उपयोग है। और नेक्स्ट गुलाब, गुलाब कैसा लिखना है, गुलाब में उ की मात्रा उपयोग है। हाँ देखो, गुलाब में उ की मात्रा उपयोगित किया है। और नेक्स्ट सूरज, सूरज में कौन सा स्वर की उपयोगित किया है, सूरज में उ की मात्राएं उपयोगित किया है। आप तो लिखने आ रहा है, आप सब देख रहे हैं ना वर्ण विच्छेदन कैसा करना है, और उन शब्द में कौन सी स्वर की मात्राएं है बोल के हमको मालूम होता है। और नेक्स्ट री, री में कृषक बोल के है, क्या है कृषक, कृषक में जो कौन सी मात्राएं उपयोग है, र की, री की मात्रा उपयोग है। और नेक्स्ट सेब, सेब में एक ही मात्रा उपयोग है, सेब में एक ही मात्रा उपयोग है। और नेक्स्ट थैला, थैला में आई की मात्रा उपयोग है, अब तो मालूम हो रहा है ना। और नेक्स्ट मोर, मोर में ओ की मात्रा उपयोगित है। और नेक्स्ट पौधा, ये कैसा पढ़ना है, पा अधिक औ की मात्रा अधिक धा, इसी तरह से पढ़ना है। और नेक्स्ट अंगूर में अम की उपयोगित करे है, अम की मात्रा उपयोगित करे है। देखो यहाँ पे ये चिन्ह को हम चंद्रबिंदु कहते हैं, चंद्रबिंदु में चांद। और नेक्स्ट आहा से प्रहता, अब तो मालूम हुआ ना, आ से लेकर आहा तक स्वराक्षर और स्वराक्षर की मात्राएं उपयोगित किया करके शब्द का वर्ण विच्छेदन कैसे करना है बोल के
हम सीखे है ना। अब तो ये पढ़ने का भी आते है ना, वर्ण विच्छेदन कैसा पढ़ना है बोल के एक बार पढ़ती हूँ देखो। हा अधिक आ की मात्रा अधिक ता, और नेक्स्ट ई की मात्रा हा अधिक रा अधिक ना, जैसा ही पढ़ना है। अब बच्चों देखो, अब तो मैं स्वराक्षर के लिखी हूँ, मैं बारह कड़ी के बोली थी ना, स्वराक्षर की मात्राएं उपयोगित करके बारह कड़ी भी लिख सकते हैं। जैसा ही बारह कड़ी उपयोग करके शब्द आप लिखना है, जैसा मैं हिरण ढाली जैसे लिखी हूँ ना, जैसा का से कमल, का से आने वाले शब्द, का से लेकर कहाँ तक आने वाले शब्द को आप ढूंढ के लिखना है। हाँ बच्चों, आशा करती हूँ आप सब वर्णमाला के बारे में और स्वरा की मात्राएं के और वर्ण विच्छेदन के बारे में जानकारी लिए है बोल के। आप सबको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मैं अगली वीडियो में मुलाकात होती हूँ। बाय।